अगर आपको लगता है कि आपके घर में काली शक्तियों या किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो वास्तु के अनुसार घर में घोड़े की नाल टांगना शुभ होता है। प्राचीन काल से ही काले घोड़े के पैरों में लगी नाल का उपयोग कई प्रकार के उपायों में किया जाता रहा है। तंत्र विद्या में ऐसा माना जाता है कि यदि काले घोड़े की नाल का प्रयोग किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार वैसे तो किसी भी घोड़े की नाल बहुत प्रभावशाली होती है, लेकिन यदि काले घोड़े के अगले दाहिने पांव की पुरानी नाल हो तो यह कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आइए जानते हैं काले घोड़े की नाल के कुछ अचूक ज्योतिष उपाय। अगर बिजनेस में हो रहा है नुकसान, यदि दुकान ठीक से नहीं चल रही हो या किसी ने दुकान पर तंत्र प्रयोग कर उसे बांध दिया हो तो दुकान के मुख्य द्वार की चौखट पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में लगा दें। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। शनि की 7:30 या ढया चल रही हो, यदि शनि की 7:30 या ढया चल रही हो तो किसी शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी विधि पूर्वक दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और साथ ही धन लाभ भी होगा। घर में क्लेश, यदि घर में क्लेश रहता हो, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही हो या किसी ने तंत्र क्रिया की हो तो घर के मुख्य द्वार पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में लगा दें। कुछ ही दिनों में नाल के प्रभाव से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शनि दोष में कमी, काले घोड़े की नाल से एक कील या छला बनवा लें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर ये छला या कील उसमें डालकर अपना मुख देखें और पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे शनि दोष में कमी आएगी। आती है बरकत, काले घोड़े की नाल एक काले कपड़े में लपेट कर अनाज में रख दो तो अनाज में वृद्धि होती है और तिजोरी में रख दें तो धन संबंधी लाभ होता है। घर में बरकत बनी रहती है। 7:30 व ढया के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। अपने पैसों से किसी काले घोड़े के पैरों में नाल लगवा दें। इससे भी शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इससे 7:30 व ढया के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। सरसों के तेल में काले घोड़े की नाल एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें काले घोड़े की नाल डाल दें। अब इस कटोरी को अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। इससे बुरी नजर भी उतर जाएगी और यदि शनि दोष होगा तो वेग भी कम होगा। दुख तकलीफों से मुक्ति, अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लें और उसमें 8 गठाने लगा लें। इस धागे को तेल में डुबोकर काले घोड़े की नाल पर लपेट लें और शमी वृक्ष के नीचे गाड़े दें। इससे सभी प्रकार के दुख तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है।